सलामी थाना के मारूफगंज मंडी में दिन दहाड़े बैंक में रुपया जमा करने जा रहे दाल व्यवसायी से 15 लाख रुपए की लूट और विरोध करने पर व्यवसायी को गोली मारकर घायल करने के मामले पर जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव पटना सिटी से मंसूरगंज स्थित पीड़ित व्यवसायी के घर पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवसायियों को हर संभव सुरक्षा दिलाने के लिए आंदोलन करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर स्थानीय विधायक सह बिहार के पथ निर्माण मंत्री पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि वे तो मस्त आइटम है, 15 सालों से मस्त है, पहले साइकिल पर चलते थे, अभी वे अरबपति खरबपति बन चुके हैं, जबकि मेरे पास 900 बीघा जमीन था, अब 100 बीघा बचा है। जाप सुप्रीमो ने आगामी विधानसभा चुनाव को कोरोना को लेकर स्थगित करने की मांग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 15 साल से जनता को मारते आ रहे हैं, अब चुनाव करवा कर कोरोना से जनता को मारने की तैयारी कर रहे हैं। एंकर पिंकी सिंह के साथ न्यूज क्राइम 24 टीम की रिपोर्ट। एएसपीआई बात खत्म हो गई, कौन सुनने को तैयार है भाई? किस एमएलए एमपी को मतलब है? जब कोरोना वायरस में एक भी एमपी एमएलए 5 महीना में नहीं निकला गरीब के लिए और कॉमन आदमी के लिए, हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री एक तो डब्बा पानी नहीं दिया, उससे आप उम्मीद क्या करिएगा जनाब? और कोरोना वायरस के बाद पर्चा बांटने लगे, और आज पटना की स्थिति जो है ना, नीतीश कुमार पहले ही 15 साल में मार चुका, ये जांच बंद कर दिया नीतीश ने, इससे बड़ा जघन्य अपराध कुछ नहीं हो सकता है। नीतीश सरकार को चुनाव कराना चाह रही है? सर वो आदमी को मार के ही तो चुनाव करना चाह रही है, उसको लग रहा है कि चुनाव नहीं होगा तो हम, अरे यार पहले बिहार की जनता को तो बचा लो, चुनाव भाड़ में जाए। सबसे ज्यादा सिटी तो प्रभावित हुआ है, हमको सब ने कहा कहां जा रहे हैं, सिटी में सब पॉजिटिव है, हमने कहा हम बड़का पॉजिटिव है, क्या करेंगे हम? माथा पर लिखा हुआ है कि अजय पप्पू यादव मर जाएगा, जब होगा मरना तभी ना मरेंगे जी, पॉजिटिव से मरे चाहे जिस चीज से मरे, काहे का डरे हम? जब फाइनल है पप्पू यादव का मरना और सबका मरना, तो डर किस बात की? इसीलिए स्थिति टफ है, यहां सिटी का इस इलाके का थाना प्रशासन मिला हुआ है, यहां जो जनप्रतिनिधि लोग हैं 15 सालों से मस्त आइटम है, उनको लगता है फिर जात पात करेंगे, हिंदू मियां करेंगे, वोट तो दे मिल जाएगा 25 साल से कौन है साइकिल से अरबपति 500 टका पर वोट मिल जाएगा सर के लिए तालियां, 500 टका पर वोट मिल जाएगा, अरबपति खरबपति हो जाता है। चला हमको 9000 बीघा जमीन था, 100 बीघा बचा है, चला हम क्या करें? अब इतने प्रभावित नहीं करते हैं सर, अपराधियों को मारने की इजाजत हमको मिलेगी? एक बार कहिए दे दे सर, चुन चुन के खत्म ना करे तो मेरी जिंदगी बेकार हो जाए। हम तो बोले कई बार ये जितना ताकत है अपराधी सब एक बार मिल जाओ, हम किस रूप में लेंगे? धरना प्रदर्शन से अपराधी पर कुछ असर नहीं पड़ना, पुनः मुस्को भाबा फिर लोग अपने अपने घर, एक मर्डर होता है 2 दिन हम रोते हैं, गोली चलती है, उसके बाद फिर वो घर सुनसान हो जाता है, वो गली सुनसान हो जाती है, कोई देखने वाला नहीं। सिटी में इस 6 महीने के अंदर कम से कम 30-40 हत्या तो हो चुकी है ना जी, हैं? आए थे ना मिश्रा जी जब मर्डर हुआ था, आए थे ना बगल में जब घटना घटी थी, सोनी गुप्ता में आए थे ना, क्या होता है जनाब? आप कल बंद कर लिए, क्या हो गया उसके बाद? कंप्लीट रूप से प्रशासन, नेता और अपराधी, ये तीनों का नेक्सस है। खुलेआम दारू, एक तो मेरी यार इससे बेहतर है कि तुम एक क्लोजर पैदा करके आप कुछ रास्ता निकालो।
खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज प्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।